पुलिस जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही थी कि टाइगर को रोको, टाइगर को किसी तरह से जेल में डालो, नाजायज धारा लगा करके आपराधिक मुकदमा करके डालो, ताकि यहाँ पर उन लोगों को एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को जीतने का आसानी हो जाए, क्योंकि टाइगर से सबको खौफ है। इसलिए टाइगर कहीं भागे नहीं है, टाइगर पुलिस उनके साथ जुल्मी बर्ताव कर रही थी, पुलिस उनके साथ गलत बर्ताव कर रही थी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े न्यूज चैनल, हिंदुस्तान के अखबार, अच्छे अच्छे संपादक लोग, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हमारे विपक्ष के भी लोग हैं, अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे अच्छे एनजीओज और ग्रीडी की आम जनमानस कह रही है कि बस चुनाव का दिन आने का इंतजार है, ग्रीडी सीट हम जीते नहीं है, जीत चुके हैं। ग्रीडी का तापमान 100 डिग्री से ऊपर बढ़ चुका है, वहां का युवा, वहां का किसान, वहां का नौजवान टाइगर 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 जयराम महतो के अलावा किसी का नाम सुनना नहीं चाहती। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे कोल माइंस हैं, बहुत से गरीबों का जमीन छीन लिया गया है और उन लोगों को वहां पर रोजगार नहीं दिया गया है। सीपी चौधरी जहां जिस गांव में जा रहे हैं जनता उसे खदेड़ करके भगा रही है और वहां के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, वहां के नौजवान जाके पलायन होकर के दूसरे राज्य में 10,000-5,000 के लिए भटक रहे हैं। यदि टाइगर जयराम महतो की वहां जनता जिताती है और हमारा शेर जीत के जाता है तो निश्चित रूप से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का जो समस्या है पूरे झारखंड की समस्या दिल्ली के संसद भवन में दहाड़ होगा और उसके लिए नियम और नीति और कानून बनाने का काम होगा। जोहार मैजाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं JBKSS के केंद्रीय सचिव रविशंकर यादव जी से, उनसे जानेंगे कि जयराम महतो जी इतने दिन कहाँ गायब थे। कल उनका एक वीडियो आया जो बता रहे थे कि हम कहाँ थे और क्या क्या उनके साथ घटना हुई। तो चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि जी हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जयराम जी कहाँ गुम हो गए थे, कहाँ अंडरग्राउंड हो गए थे, क्या उन्हें कानून के शरण में नहीं जाना चाहिए जो फरार हो गए थे? सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार, और हम आपके दर्शक अपने दर्शक से आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। देखिए, जयराम महतो टाइगर है और टाइगर जनता की अदालत में रहा है और अभी भी वो जनता की अदालत में ही है। टाइगर न झुकने वाला है न डरने वाला है। हमारी पार्टी संविधान से चलती है और देखते होंगे आपके हर एक बैनर पोस्टर में और टाइगर हमारे संविधान की बात करते हैं, हमेशा वो संविधान लिए हुए उनका फोटो आता है, भाषण भी देते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्हें प्रशासन के सामने से बोल के फरार होना, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े कर रहे हैं। देखिए, वो फरार नहीं है। अब हमें एक बात बताइए, जब झारखंड में CGL का क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है, JPSC का पेपर क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है, JSSC का सीट क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है, सीट बिक जाता है, तो टाइगर ने और हमारे JBKSS के लोगों ने विधानसभा घेराव किया था 2022 में। अब 2022 में मुकदमा हुआ, उसके पहले ना हमारे टाइगर को कोई सूचना दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई अरेस्ट वारंट है, और लगातार 2022 के बाद हजारों जनसभाएं टाइगर जयराम महतो ने किया। पिछले 28-29 तारीख को उन्होंने चतरा में हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन करने गए थे, 30 तारीख को संजय मेहता जी का नॉमिनेशन करने गए थे, 1 तारीख खुद नॉमिनेशन करने गए थे। तो आखिर पुलिस जो है सो प्रशासन कान में तेल देकर कहां सोई हुई थी? पुलिस जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही थी कि टाइगर को रोको, टाइगर को किसी तरह से जेल में डालो, नाजायज धारा लगा करके आपराधिक मुकदमा करके डालो, ताकि यहां पर उन लोगों को एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को जीतने का आसानी हो जाए, क्योंकि टाइगर से सबको खौफ है। इसलिए टाइगर कहीं भागे नहीं है, टाइगर पुलिस उनके साथ जुल्मी बर्ताव कर रही थी, पुलिस उनके साथ गलत बर्ताव कर रही थी, पुलिस उनके साथ नाजायज कर रही थी। तो टाइगर जनता के अदालत, ये तो कानूनी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले जो लोगों के ऊपर केस होता है उसे बेल लेना जरूरी होता है, नहीं तो गिरफ्तारी हो जाएगी। वैसे ही आपके देवेंद्र नाथ महतो की भी गिरफ्तारी हुई है, यही प्रक्रिया कहता हूँ। अब कानून की बात करें तो मैं बता रहा हूँ कि बोकारो के नॉमिनेशन में मैं भी उपस्थित था, छात्र नेता मनोज यादव उस नॉमिनेशन में उपस्थित नहीं थे, वो गिरिडीह DC साहब के यहाँ अपना नॉमिनेशन फॉर्म का कुछ अपना खरीद रहे थे, भर रहे थे। तो 353 का मुकदमा उनपे पुलिस क्यों कर दी, ये भी तो पुलिस पे सवाल उठता है। ये पूरी तरह से यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के हमारे संगठन हमारे नेता को आवाज को दबाना चाहते हैं। इसलिए टाइगर कहीं जाने वाले नहीं थे, टाइगर जनता की अदालत में है और आज 10 तारीख है। अब देखेंगे, आज कल में देखेंगे टाइगर की दहाड़, फिर जनसभाओं से आपको सुनने को मौका मिलेगा। कल उन्होंने एक वीडियो साझा किया, तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो चला, वो बता रहे, तो क्या कुछ लग रहा है आपने? वो लगभग 12 से 13 मिनट का वीडियो था, पूरी आप बीती बता रहे थे 1 तारीख की घटना को लेकर, आप वहां मौजूद थे, हुआ क्या था? देखिए, सब नॉमिनेशन चल रहा था, लगभग हम समझते हैं कि जिस तरह का
हम अपने राजनीति जीवन में इस तरह का जननायक मैंने नहीं देखा। उनके नॉमिनेशन में बिना पैसे से बुलाई गई भीड़, हम समझते हैं कि 10,000 फोर व्हीलर और मोटरसाइकिल तो छोड़ दीजिए, हम समझते हैं 1 से 1.25 लाख लोगों, युवाओं को, किसानों का, मजदूरों का, जो आवाम का रैला वहां ठुसम ठुसम रैला हो गया था। तो अचानक से नॉमिनेशन के बाद में अंदर से खबर आई कि टाइगर की गिरफ्तारी हो गई है। सारे कार्यकर्ताओं जो है सो आग बबूला हो गए, जोश में आ गए, आक्रोश में आ गए कि आखिर भाई कौन सी मुकदमा है, क्या बात हो गई कि टाइगर गिरफ्तारी हो गई। टाइगर रोज सभा कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार के नॉमिनेशन में जा रहे हैं, खुले जीप से, खुले मंच से सभा कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी नहीं होती, आज कौन सी बात हो गई भाई। तो फिर कार्यकर्ताओं को आक्रोश हो गया, तो वहां के प्रशासन ने कहा कि नहीं, हम गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का भीड़ देख करके, जन सैलाब को देख करके वहां के प्रशासन बोले कि टाइगर जाके अपनी जनसभा कर रहे हैं। जब पुलिस को गिरफ्तारी, जब पुलिस ईमानदार है और पुलिस के पास पुख्ता बंदोबस्त था तो गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। एक तरफ कहती है पुलिस थी हम गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस आके ऐलान करती है कि टाइगर जा रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। क्या लग रहा है गिरिडीह का माहौल, अब क्या चेंज होगा, या फिर से जो लगातार वहां एनडीए उम्मीदवार लगातार जीतते आए हैं वही जीतेंगे, या इंडिया एयरलाइंस के उम्मीदवार जीतेंगे? पत्रकार महोदय, हिंदुस्तान के बड़े बड़े न्यूज चैनल, हिंदुस्तान के अखबार, अच्छे अच्छे संपादक लोग, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हमारे विपक्ष के भी लोग हैं, अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे अच्छे एनजीओज, और गिरिडीह की आम जनमानस कह रही है कि बस चुनाव का दिन आने का इंतजार है। गिरिडीह सीट हम जीते नहीं है, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। गिरिडीह का तापमान 100 डिग्री से ऊपर बढ़ चुका है। वहां का युवा, वहां का किसान, वहां का नौजवान टाइगर 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 जयराम महतो के अलावा किसी का नाम सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे कोल माइंस हैं, बहुत से गरीबों का जमीन छीन लिया गया है और उन लोगों को वहां पर रोजगार नहीं दिया गया है। सीपी चौधरी जहां जिस गांव में जा रहे हैं जनता उसे खदेड़ करके भगा रही है, और वहां पर वहां के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, वहां के नौजवान जाके पलायन होकर के दूसरे राज्य में 10,000-5,000 के लिए भटक रहे हैं। यदि टाइगर जयराम महतो की वहां जनता जिताती है और हमारा शेयर जीत के जाता है तो निश्चित रूप से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का जो समस्या है, पूरे झारखंड की समस्या, दिल्ली के संसद भवन में दहाड़ होगा और उसके लिए नियम और नीति और कानून बनाने का काम हम लोग करेंगे। तो ये देखो,